नमस्कार, मैं अजय। तो हमने एक मुहिम चलाई हुई कि सरपंचों के 4.5 साल के कार्यकाल की कि उनका ब्यौरा दें और गांव वालों की राय लें कि कितने काम हुए कितने काम रह गए। तो मैंने बीच बीच में शुरू किए थे गांव बुआनखेड़ा, हल्का बुआनखेड़ा के भी मैंने गांव शुरू किए हुए और मैं भिवानी हल्के के भी गांव कर रहा और आज पहुंचा मैं तोसाम हल्के के अंदर, तोसाम तहसील के अंदर। तो सौभाग्य की बात ये, वो बात शुरू में क्या करूँ, गांव की बात तो बटोड़े बता दें। अड्डा तो लग गया, यानी भिवानी तो आया तोसाम तक की रोड की खराब माटी, रहरे माटी, बिरान माटी और आज तक होनी वह करीबन 6 से 7 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका उस रोड को बनते बनते। लेकिन तोसाम के अंदर जैसे ही एंट्री करी दिल खुश हो गया चीज़ें देख देख के। देखो पार्टीबाजी एक तरफ, राजनीति अलग हो, लेकिन जिस हल्के के अंदर आप विधायक का काम कर रहे हो उसके हल्के के प्रति आपका एक फर्ज बनता है कि काम हल्के के अंदर साफ सुथरा दिखे और वो शहर आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से जाना जाए। सो भाग्य की बात तो उरे इसको बताएगा झील, तो शाम की झील बताई गई है। तोरा कुल्फी खाओ है और भाई से भी खड़े हैं और रियलिटी है साफ सुथरी। पार्किंग व्यवस्था जो है वह भी सही तरीके से होनी चाहिए। गोलगप्पा की रेड़ी लाग रही और इसकी रेड़ी लाग रही, भाई लोग खड़े हैं खाने के लिए और बाजार सुना सज रहा एक नंबर का। दिल खुश होया देख के कि तो शाम में वास्तव में भी उपलब्धि हो रही है। ऐसे गांव भी है, ऐसी तहसील भी है जिनके अंदर उपलब्धि देखी जा सके है। और एक हल्का था बड़ौदा, जिसकी बात करूँ बड़ौदा की सर्वे करके भी आया था, दो मिनट की बात जोड़ देता हूँ वो भी। तो उस हल्के का हाल यू था कि उसके गांव में बड़ेगा जी कौन कर रहा था बड़ौदा गांव के अंदर, और बड़ौदा हल्का मेन जिसके अंदर वो उपचुनाव की तैयारी चल रही और हर पार्टी का नेता वहां पर अपना डेरा जमाए हुए बैठा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य कार्य गांव के नहीं दिख रही, तो सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति देखी जा रही। लेकिन सौभाग्य तो साम हल्के का कि आज यहाँ पर राजनीति की बजाय दिख रहा तो काम दिख रहा। तो अंदर चौकीदार हैं उनसे बात करूँगा, लेकिन रेडियो वाले हैं मैं इनसे बात कर ली हूँ कि इनकी प्रतिक्रिया के है अपने तो शाम हल्के प्रति व तो शाम शहर के प्रति। ये नाम है अपना संदीप। संदीप क्या दिन तक खड़े हो बड़ा? 4 साल हो गए। 4 साल तक। अच्छा सुना परिवार चला ला रहे हैं? हाँ गुजारा हो जाए है। हाँ बढ़िया गुजारा। कितने कमा ले है? कमाना तो खेती बाड़ी बचरे 500-700 रुपये दिहाड़ी बन जाए खुद का। क्या बालक है? 2 बालक, 1 लड़का 1 लड़की। आए हाय, छोटा परिवार सुखी परिवार, धन्य तू भाई, छोटा परिवार है। अच्छा इस पार इस झील बनते काम में बढ़ोतरी हुई या फिर कौन हुई? ना काम में से का सारा काम झील के सारा। झील के सारा। हाँ। अगर एक बात पूछूँ, कोमल सी बात है, अगर सारे नेता इस देश के प्रत्येक गांव के नेता, प्रत्येक शहर के नेता, प्रत्येक राज्य के नेता, प्रत्येक इस देश के हर नेता, वो नेता जो आज पब्लिक के लिए पब्लिक डीलिंग का काम करते हों और उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी निभाने का काम करते हो, लेकिन वो सरकार ताज बन के बैठ जाते हैं वोट देने के बाद में। लेकिन सौभाग्य है जिस भाई का कि यो 400-500 रुपये दिहाड़ी कमावे यहाँ पे खड़ा हो गए, अच्छी बात है। अगर ऐसी ऐसी उपलब्धि होंगी तो लघु उद्योग अपने आप पल अपने लग जाएंगे और इन जैसे युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा और मोदी जी को कहना नहीं पड़ेगा कि पकौड़े भी बेचे जा सकते हैं। कहा था मोदी जी ने, याद है? तो अच्छी बात है, सरकार कितना अच्छा काम कर रहा है, एमएलए कितना बड़े काम कर दिया। अभी तो लॉकडाउन नहीं थी यहाँ पे, 18-20 रेडियां लगती हैं शाम। अच्छा। को तो यूँ लगा लो कि 20 परिवार पढ़ रहे हैं केवल झील के उस पे शाम को घूमने फिरने आते हैं। प्रत्येक मंत्री को, सरकार के नुमाइंदे को काम ऐसा करना चाहिए, गांव के अंदर करना चाहिए, हर गांव में बैठने के लिए, घूमने फिरने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पे फिर भीड़ इकट्ठी होगी वहां पे काम भी चलेगा। जूस की रेड़ियां हैं और परचून की दुकानें हैं, ये सब मतलब पब्लिक आएगी घूमेगी फिर कुछ ना कुछ खाए पिएगी। बाहर से हैं नोकल एरिया, बाहर से घूमने फिरने आते हैं, चलो उससे काम अच्छा चलता है। अच्छा चलता। तो इस देश के नेता को सोचना चाहिए। अरे इस भाई का आपका नाम क्या? संदीप। संदीप, संदीप की बात बड़ी लाख रुपए लगी और यो कड़वा सच है इस देश के हर नेता के लिए, हर अधिकारी के लिए
जिस शहर के अंदर साफ सुथरता होगी, सुंदरता होगी, वो शहर ऑटोमेटिक ही सुंदर बन जाएगा और वहाँ पर लघु उद्योग अपने आप ही पर अपने लग जाएंगे। अगर इस देश का प्रत्येक नेता सोचे, विचार करे, तो पब्लिक को बार बार उसके पास आना नहीं पड़ेगा। बतौर देखो एक बात और नोट करने वाली बात, लगभग पार्कों के अंदर या तो नलके खराब मिलते हैं या फिर वाटर कूलर नहीं चलते हुए मिलते, लेकिन यहाँ पर आप रियलिटी माने, दोनों टूटियों में पानी चल रहा और बिल्कुल एक में पानी नॉर्मल आ रहा और एक में पानी बिल्कुल चिल्ड भी आ रहा। ये अच्छी बात है कि फैसिलिटी नाम की चीज़ को यहाँ पर देखा जा सकता है, सफाई भी करीब तकरीबन सही और इसकी सही लगती भी। तो इसके अंदर एंट्री गेट के अंदर से एंट्री कर ली, अब यहाँ पे कमरा तो है चौकदारी पा होगा, बात कर ली हूँ कि सर क्या व्यवस्था है आपके तोसाम की। खाना खाने के लिए कमाना पड़ता है इंसान को, वो अपनी भूमिका ये निभा रहे। तो यहीं देखे महिला शौचालय और साफ सुथरा लिखा हुआ और पुरुष शौचालय, तो इस अगर दिखाऊं इसके अंदर की हालत तो वो भी देखते हैं कि कितना काम हो रहा इसके अंदर। शौचालय के अंदर आए, सिस्टम कुछ सही नहीं दिखा, कर्मचारियों को कहें या फिर आप कहें जो यहाँ पर काम करने का काम करते, जो ड्यूटी भी करते, आप ये देखें वाश बेसन के नीचे बीड़ी वेड़ी भी पड़ी हुई, पानी गंदा खंडा हुआ, अच्छी बात नहीं है। आगे आ जा भैया, अब अगर टॉयलेट का हाल दिखाएं तो वही हाल, और बाथरूम की अगर बाथरूम की बात की जाए तो बदबू से बाथरूम सड़ रहा। यो यहाँ पर तो बाहर ही लेटरिंग तक की हुई लोगों ने, गलत बात। ये बात जरूर करूँगा चौकीदार से कि जब सुंदरता इतनी बढ़िया है तो बाथरूम साफ सुथरे क्यों नहीं है पार्क के। पार्क के अंदर एंट्री पार्क होगा। हाँ जी पार्क, झील है जी, झील 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 का नाम क्या है? झील का नाम है इसका मतलब प्रकट, वो झील है इसके प्रकट के नाम से है। अच्छा अच्छा, चलो झील का झील है भाई, झील का नाम हमें नहीं पता, सॉरी। तो क्या सुविधा है झील में भाई? यहाँ पे दिखा दे कैमरा दूंगा, इस प्रकार से देखो सुविधा जी, एक कार्टून बना रखे है बच्चों के देखने के लिए। अच्छा, और पेड़ पौधा लगा रखे हैं, दो चीज़ और नोट की गई, फुहारे, एक तो फुहारा यो बजने लग रहा है और एक आपको पानी के अंदर शिवलिंग शिवजी बोलेंगे। हाँ जी, शंकर भगवान, शंकर भगवान जी हैं, वो भी डालने लग रहे हैं। हाँ जी, पानी फुहारे भी है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और नोट की गई, हाँ जी, आपके बाथरूम साफ सुथरे होने के कारण के बाथरूम बच्चे तोड़ देते हैं जी। तो आप लोग स्टेडियम में घूमने लिए आते हैं कि यहाँ के कर्मचारी है काम करने के लिए, और भी पार्क है उनमें चल जाते हैं, तो दिन में चौकीदार रहता नहीं। अच्छा, अगर रात को रहता है चौकीदार। किस अधिकारी के अंडर आता है पार्क? पार्क आता जी ये पब्लिक हेल्थ के, पब्लिक हेल्थ के अंदर। हाँ जी, तो क्या आपने अधिकारी को अवगत नहीं कराया? करवाया जी, पार्क की जो बाथरूम की हालत वो दुर्दशा बड़ी खराब है। संभाल रहा जी सरपंच, तो सामने का सरपंच है जी उसके अंडर में अभी, तो वैसे पब्लिक हेल्थ का है। सरपंच कौन है? देवराज जी, देवराज जी गोयल, गोयल साहब। हाँ जी, चलो उनसे बात कर लूँगा, मिलेंगे तो। तो अच्छी बात है, साफ सुथरा पार्क है। पानी अभी बदला नहीं, बारिश आई है, बाहर का पानी डल गया है, बैठेगी दुकान से। अच्छा, इसलिए ये निकाल रहे हैं, फिर पानी साफ करके। हाँ, तो इसकी कोई टिकट भी है या ना? नहीं, टिकट नहीं है जी, वैसे फ्री सेवा। हाँ जी, तो ये कितने आदमी हैं पहला, कितने आदमी हैं लॉकडाउन में? अभी लॉकडाउन है फिर भी काफ़ी लोग आते हैं जी घूमने के लिए शाम को। अच्छा, हाँ, 4 बजे आने शुरू हो जाते हैं, 9-10 बजे तक घूमते हैं। झूले वूले भी सब कुछ है, रेडी है। हाँ जी, झूले है। अच्छा, ये पार्क की अगर बात करी जाए, किस नेता ने बनवाई तो बता सको? ये जी किरण चौधरी ने बनवाई है, हमारे जो सरपंच है उसके वो किया उसने, तो किरण चौधरी के सहयोग से। किरण चौधरी MLA विधायक है यहाँ की, कांग्रेस की। हाँ जी, उन्होंने बनवाया, अच्छी बात है। तो कहूँगा कैमरा मैन को प्लीज जब गांव पार्क का दूर तक का नज़ारा दिखा दे, खोल के कैमरे को, यो पार्क का नज़ारा और यो पार्क देखिए, देख लो भाई, तो शाम की शान रियलिटी है, तो शाम की शान का काम करना रहे कि बस स्टैंड भी चकाचक और पार्क भी चकाचक। देखें हरियाणा के जो कलाकार शूटिंग करने बाहर जाते हैं वो हरियाणा के अंदर ही अच्छी जगह हैं,
जहाँ पर वो शूटिंग अपनी अपने प्रदेश की और हरियाणा टूरिज्म के अंदर तो शाम हल्की की भी पब्लिसिटी हो जाए और उनको अच्छी एक लोकेशन मिल जाए तो अच्छी बात है जी। अच्छा याद करते हैं आशीष सर, आशीष सर के सब बहुत दूर के आते बंदे घूमने के लिए एल्बम वगैरह। हाँ हाँ, ब्याह शादी के फोटो बनाते हैं ना, सब किश्तियों में बैठ के बनाते हैं। शुरुआत हो चुकी तो शाम के इस पार्क की शुरू हो चुका हरियाणा कल्चर यहाँ पर आने लगा। अच्छी बात है, अगर कल्चर आएगा तो परिवार में इन लोगों का काम चलेगा और रेडी वाले लघु उद्योग वाले अपना काम धंधा कर सकेंगे। तो सरकार को होना चाहिए ऐसी सी उपलब्धि हर गांव के अंदर, प्रति हर शहर के अंदर जहां पर जगह हो सरकारी वहां पर उसको यूज करके ऐसी स्थिति में ऐसी जिले बनाई जा सकती हैं। अच्छी बात है विधायिका जी का आज नाम की और काम की बढ़ाई देखी जा रही तो शाम के इस झील के अंदर। तो ये देखो आज स्टैचू की महिमा भी और गरिमा भी दर्शाई व देखी जा सकती है। ये होती है व्यवस्था। और आज इस और भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण शनिवार 17/11/2012 को सुशील कुमार सांझी राम शिंदे माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के कमल कुमार भूपेंद्र सिंह हुड्डा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा अध्यक्षता में श्री चरण चौधरी नाय माननीय आबकारी एवं कराधान जन स्वास्थ्य एवं मंत्री है श्री चौधरी माननीय संसद सदस्य महेंद्रगढ़ की गरिमाई उपस्थिति में संपन्न हुआ। तो सुन राजीव गांधी जी फोटो लगी हुई प्रतिमा लगी और इस पार्क की सुंदरता भी कहीं ना कहीं चार चंद लग रही। तो ऐसे प्रतिमाओं भी सार्थक दिखती हैं क्योंकि किसी महापुरुष की अगर प्रतिमा लगाई भी जाए तो उसको सार्थक रूप देना भी चाहिए, जैसे आज झील के अंदर सार्थक रूप दिख रहा। झील के अंदर कैंटीन, भाई मज़ा आ गया। के चंडीगढ़ की कैंटीन करेगी इस तो शाम हल्के की झील के अंदर कैंटीन। भाई सर नमस्कार। अच्छा एक मिनट रुकिए, बात करूँगा। नमस्कार, क्या नाम आपका? प्रकाशपुरी जी। विकासपुरी? प्रकाशपुरी। प्रकाशपुरी जी। जी सर। सर सफाई वास्तव में सही दिख रही, साफ सुथरा आपका। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है जी सर। तो लोग अब कितने लोग आ पाते हैं, कितने लोग नहीं आ पाते हैं? जैसे पहले लोग वाक तो बहुत कम आ रहे सर। काम धंधा चल रहा है, मंदा पड़ेगा? बिल्कुल मंदा है जी। तो अब क्या व्यवस्था बनाई? व्यवस्था क्या बनाया, जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं जी। चलो तो अब की बजाय अगर लॉकडाउन नहीं था उससे पहले यहाँ पे लोग कितने आते थे? ज़्यादा आते थे, खूब आते थे। तो उस टाइम की बिक्री की बात की जाए, आज की बिक्री की बात की जाए तो कितनी बिक्री? 10% भी नहीं है जी। आप पहले उस टाइम कितना कमा लेते थे? उस टाइम दो तीन हज़ार रुपये की सेलिंग हो जाती है, अभी 1800 रुपये की सेलिंग होती है। हाय हाय, यानी आधे थे भी आधे जी सर। चाले फट गए, गरीब आदमी की उम्र तो उरे भी आके होगी। कैंटीन वास्तव में इस झील की सुंदरता का और भी चार चांद लगा हुआ है। ये आपका डस्टबिन के रूम में रखा हुआ, ये देखो सफाई। मन लग गया कि किसी झील के अंदर रिपोर्टिंग करा। हाँ दोपहर का करीबन 12:30 बजे मजा आ रहा है मेरे के लिए। चौक ये कर्मचारी और दुखी पालिए, ये मेरे दोस्तों में अच्छे बैरी आए सिकर दोपहर रोटी खा के पढ़ने का टाइम आता रही है मेरे गली गली हो रहे हैं। चलो भाई मैं भी कम लगूँगा, प्लीज झूले दिखाओ। हैं ये देखो झूले देखो भाई, वास्तव में हकीकत है एक चीज़ का मज़ा आ गया। झील के झूले देख के और झील की व्यवस्था देख के, भाई मैं वहाँ से शुरू कर रहा था। इस झील में अभी तक कोई छत तक नहीं पाया है, कोई पोलोथिन का नाम नहीं, कोई छत तक नहीं। ईमानदारी है, और हो भी तो आप लोगों से विनती कि आप लोग इसको सफाई करवाएं दोनों टाइम। रियलिटी में मज़ा आ गया भाई झील देख के। ये देखें ये पेड़ से पत्ते टूट कर पड़े हुए तो अच्छे लग रहे, ये हैं साफ़ होंगे तो कहीं यूजबुल भी हो सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और नोट करें, ये पूरे पार्क के अंदर यूज मी रखा हुआ, यानी डस्टबिन के रूम में रखा हुआ। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि सुंदरता तो डस्टबिन के ऊपर देख ही रही, मगरमच्छ भी हैं देख लो। जिस बच्चे ने मगरमच्छ नहीं देखे हो, और बत्तख के रूम में भी। ये बत्तख पक्षी कितने प्रकार के हैं? ये दो प्रकार के जी। दो प्रकार के अड़े रहे 12 महीने? हाँ जी, ये पाड़ी हुए हैं। अच्छा तो क्या खाते हैं, मच्छी वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ये शाकाहारी है जी। अच्छा इनको दाना डालना पड़ता है? दाना डालना पड़ता है। हाँ जी, रोटी वगैरह के खावा है, मगरमच्छ कुछ नहीं खाते जी। अच्छा किश्ती वगैरह है इसमें? हाँ जी। तो क्या करते किश्ती? प्लास्टिक के मगरमच्छ जी नहीं,
किस्ती हाँ जी चलती थी पहले चलती थी अब बंद कर दिया। क्या टिकट सिस्टम? हाँ जी सिस्टम टिकट थी उस 10 रुपये जी 10 रुपये कितने मिनट के? वो आधा घंटा के 10 रुपये। हाय 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 भाई सुन सुन के आनंद आना रहा है। दिल्ली से लॉकडाउन हटा है और मैं तो शाम के झील में किस टाइम झूल झूल रहा हूँ। महाराष्ट्र जा कौन सकूँ तो शाम की झील में आके किस टाइम तो झूल ले लेंगे। अच्छा और क्या विशेषता भाई? पक्षी अच्छा चिड़ियाघर भी इसी के अंदर? अच्छा हाँ या भाई या क्या बोले जा? ये तो बना रखी है छतरी छतरी यानी भी इसको डाल दी बेल बुगल बेल डाल बुगल बेल डाल रखी है। अच्छा ये वो क्या है? ये हिमू है जी। अच्छा हिमू हाँ जी। अच्छा अच्छा इसे छतर मुर्ग कहते हैं। छतर मुर्ग देख ले भाई बच्चों छतर मुर्ग नहीं देखा तो आ गया कैमरा मैन दिखा भी इसको ये। अच्छा ये आ भी था समझ भी है आ जाओ ये केड़ा केड़ा खाओ। अच्छा आ जाओ देख ले भाई छतर मुर्ग बच्चे टीवी में ज़्यादा देखा करें तो शाम का तो आए हाय खरगोश है ले भाई ये खरगोश देखो और एक को नहीं कई हैं 70-80 के करीब। हाँ और सबसे ये चीज देखो साफ सुथरी जगह में हो रहे हैं पानी भी इनका वो केबल अगर कुंड भरा रखा हुआ है इनकी खिड़की खड़की बिल्कुल साफ सुथरी है नुकने भाई कोई बीट पाट का चक्कर मुलमुल का काम वो दिखता हो तो ये खरगोश भी अड़े भी देखो और बिल देखो इनके ये बिल किस तरह बना रखे हैं ये गड़े मटके दबा रखे हैं इनमें ये ब्याते हैं। अच्छा मटके में दबा रखे हैं हाँ जी ये उसमें उसमें भी आई है कैमरे में आएंगे तो। अच्छा इनको आप खोल देते फिर? हाँ खोलते हैं चाबी मंगवाओ तो बारे पार्क में घूमते हैं सारे पार्क में। हाँ जी अभी खुले हम घूमेंगे 12 बजे कर्मचारी के खाने खाने की छुट्टी होती है फिर आते 2 बजे। अच्छा 2 बजे आके फिर इनको खोलते हैं सुबह आके खोलते हैं इनको घुमा के फिर अंदर डाल देते हैं फिर शाम 2 बजे आके फिर खोलते हैं फिर शाम को लोग घूमते हैं तो वो देखते हैं वो लोग तंग को ना बच्चे नहीं जी कर्मचारी कह देते हैं कि छेड़ मत करो आराम से कर्मचारी देख लो जी देख लो कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं जी शाम अच्छा अच्छा रहते हैं हाँ रहते हैं जी। अच्छा इसी एरिया में रहते हैं? हाँ जी यहाँ पे घूमते हैं पार्क में फिर इनको वापस बंद कर देते इनको दोबारा कैसे करते हो? ये अपने आप अपने अपने उसमें बढ़ जाते हैं जी ताली बजा देते हैं सब भाग सब भाग। अच्छा ताली बजाते बाहर के सब भाग भाग इनको ताली बजाएगा तो सारे अंदर आ जाएंगे। अच्छा ताली का ऊपर ताले हैं। अच्छा और के उसमें क्या है? उसमें जी कबूतर हैं तोते हैं मोर हुए। अच्छा इन्हें खोल दोगे? नहीं ये नहीं खोलते ये अंदर ही रहो। चलो भाई जो भी व्यवस्था है अच्छी है अरे ऐसी व्यवस्था हो जा तो भारत को किसी राजनीति की या राजनेता की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कहते हैं काम बोलता है। आज इस पार्क की सुंदरता को इसकी सुंदरता को निहार रहा तो इसका काम निहार रहा और इसके कर्मचारियों का जो कर्मठता इधर 24 घंटों देखी जा सकती उनका काम को सराहा रहा। अच्छी बात है प्रत्येक देशवासी को ऐसी चीज़ बनवानी चाहिए देश के लिए और उसकी रखवाली भी सुचित तरह से करनी चाहिए। ये देख तोते भी पड़ रहे हैं इस के तो मिठू आजा मिठू आजा आइए मिठू तोता बोलता है इसका आजा मिठू आजा आइए देख ले भाई बुरा मानना अब आजा मिठू आजा मिठू आजा भाई ये देखो जानवरों का प्रेम। अच्छा भाई साहब जो खरगोश सुनी है कि बिल्ली बल्ली खा के मार मुर्दे है यहाँ पे कर्मचारी रहते हैं कुत्ता बिल्ली कुछ भी नहीं आने देते। अच्छा जिस टाइम इनको खोलते हैं अच्छा अच्छा तो कर्मचारी पे बैठे रहते हैं यहाँ पे किसी कुत्ते को बिल्ली को बच्चे को किसी को तंग नहीं करने देते। लापरवाही में किसी को मरने नहीं दिया गया बढ़ाए हैं हाँ बड़े हैं जी बड़े हैं पुराने पुराने बड़ है क्यों बड और पीपल ये देखो भाई पुराना बड़ पीपल इसकी जड़ कुकल निकला करती क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो जड़ भी कौन जाना कि बड़ा का जड़ निकल थी जिसके ऊपर हम जो लै करते हमारे बचपन के अंदर इनको पकड़ पकड़ के सही बात है भाई याद है ना झूले ले इसमें है याद है तो इन बच्चों ने भी झूला हुआ लेकिन आज की जो नस्ल तैयार हुई उसका नहीं पता कि यो बड़ हुआ है और बड़ इतना बड़ा भी उसका है ये जड़ाई ना ये डाडी है इसकी। अच्छा ये डाडी डाडी है हाँ ये डाडी है ये नीचे टिक जाएगी जड़ बनती चली जाएगी। अच्छा अच्छा तो कितना साल पुराना बड़ हुआ ये साल पुराना है जी लगभग सैकड़ी साल का। अच्छा दुर्भाग्य है मजनुओं से प्यार करने वालों से और अपने देश से प्यार न करने वाले लोगों से कि
देश की धरोहर को और उसकी सुंदरता को न घटाए। ये एम लिखने से इसकी कोई बहन माँ या कोई लुगाई कौन बने, रियलिटी है भाई नहीं बनेगा, बटे कौन बने, कुछ नहीं बनेगा। तो कृपया करके इस धरोहर को संभाल के रखें, ये आप लोगों की धरोहर है। अगर आप सेफ रखोगे अपने धरोहर को तो इतिहास बनते देर नहीं लगती आज के दिन इस देश के अंदर, क्योंकि आज रफाल आए तो इतिहास, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो इतिहास, आजकल देश के अंदर इतिहास बहुत बन रहे। तो कृपया करके उन इतिहासकारियों देने वालों से और युवाओं से कि ये नाम की प्रतिक्रिया बंद करें और इसको ऐसे देखें कि इस दे इस पेड़ की हम सुंदरता को चार चांद कैसे और लगा सकते हैं, पक्षियों लिए मटके टांगे रंगीन बंगीन बना के, ताकि इस बर्ड की सुंदरता को और निहारा जाए। ये नहीं कि ये नाम क्या सिस्टम, ये दर्शा रहा कि जो यहाँ पे लोग आते हैं वो अनपढ़ गवार लोग आते हैं जो इस पेड़ के ऊपर नाम लिखने का काम करते हैं और अपनी इस बर्ड की सुंदरता को घटाने का काम कर रहे। सोचें और आगे से ऐसा ना करें कि अपने देश की धरोहर की अब सुंदरता को घटाएं। मैंने गलत कहा? ठीक कहा, ठीक कहा सर, बिल्कुल ठीक, ठीक कहा ना। क्या कहे साहब? ठीक कहा जी बाबू जी, ठीक है ना, बढ़िया बाबू। जो घटिया सोच वाले लोग होते हैं ना जी, वो लिखते हैं, ये नहीं देखते कि किसी की माँ है, किसी की बहन बना दिया, कितने की में बना दिया। अरे यारो, उसकी माँ बहन एक और देखो, दुर्भाग्य है भाई, पूरा नंबर तक लिख रखे हैं। हे बाबा, ये नहीं सोचता जी वो, आधे है यारो कि के बन जाओगे, यहाँ पे घूमने आएगी, कुछ बन नहीं जाओगे, ये दर्शाओगे कि हम अनपढ़। हाँ बस, भारत 21वीं सदी का जरूर है लेकिन तुम ये लोग दर्शा रहे हो कि हम अनपढ़े। हाँ, हम दादा को बदले, हाँ, बुरा मानो तो बुरा मान जियो, भला मानो भला मान जियो, लेकिन यो कड़वा सच है इस देश का, उस प्रत्येक युवा से, बुजुर्ग से और जवान से कि जो ऐसे ऐसे काम करते हैं आज पार्कों के रूप में, टूरिस्ट जगहों के रूप में, या कहीं जो सुंदरता को देखी जा सके शहर की, प्रदेश की व उसकी, लेकिन गरिमा गिराने का काम करना करते करते तो इस देश के लोग ही कर रहे, जो इन पेड़ों के ऊपर अपने अपने नाम लिख रहे, कहीं किले के ऊपर अपना नाम लिख रहे, कुछ नेता नाम लिखने से संबंध जो जिसने बनाया वो जब तक रहेगा जब तक आपकी ज़िंदगी सांस रहेगी। नाम लिखने से नहीं तो आपकी उम्र बढ़ेगी, नहीं आपका मान बढ़ेगा, दर्शाएगा तो दर्शाएगा कि आप लोगों के अंदर अनपढ़ता है। गलती और देख तो देखी जाती, सुंदरता घटा भी रही, ये एक बारिश को नहीं उठ पाई, बाहर का पानी इधर से रिसाव होया और यो एक बारिश को नहीं उठ पाई या यहाँ से बैठ गई, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार के रूप में, डिपार्टमेंट के रूप में, एमएलए के रूप में और मंत्री रूप में, जिसने भी देख रेख में काम हुआ उसकी निगाह से ये काम अछूता कैसे रहा कि कच्चा काम भी कहीं इस पार्क के अंदर देखा जा सकता है। सर कमजोरी कहेंगे, क्या कहेंगे? ठीक करवाएंगे जी सरपंच राव जी। नहीं, बात ठीक करने वाली बात नहीं है, अगर सामान मेटेरियल सही लगता तो ये हाल होता नहीं ना। करवा देंगे जी, चलो करवा देंगे। कर्मचारी बचते हुए क्या करें, कर्मचारी ड्यूटी करनी पड़ती है, मजबूरी होती है, लेकिन कृपया करके जिसके अंडर भी डिपार्टमेंट के अंदर आती हो, जिस सरपंच के अंडर आती हो, वो देखें कि ठेकेदार किस तरह का मटेरियल लगा रहा और क्या मटेरियल लगा रहा, क्योंकि सुंदरता तो चार चंद लगा रही लेकिन अगर एक एक बारिश के अंदर ये बैठ जाएंगी तो क्या लगता है कि 5 साल 10 साल ये पकड़ ही पाएंगे। तो दिखाया मैंने आपको तोसाम की झील, जो तोसाम के चार चांद लगा रही। अगर आपके गांव के अंदर भी ऐसी कोई उपलब्धि हो, आपके शहर के अंदर भी ऐसी उपलब्धि हो, तो कृपया कर आप हमें बुलाएं, हम आएंगे आपकी गांव की, आपके शहर की, आपके कस्बे की। हम काम किस तरह का वास्तव में होना चाहिए वो तोसाम के सिस्टम से समझा जाए, काम भी बढ़िया हो रहे हैं, दिख रोड के ऊपर, दातल के ऊपर काम दिख भी रहे, तो अच्छी की बात है। चाहे पर सरपंच के रूम में हुआ हो, चाहे एमएलए के रूम में हुआ हो, चाहे सांसद महोदय के रूम में हुआ हो, अच्छी बात है। तो शाम को चार चांद ये आज झील लगा रही। जे एन सिनो से अजय नायक, रवि को लिखी है खास रिपोर्ट।